जैसे भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उसी तरह से एक और भारतीय सिंगापुर देश का राष्ट्रपति बन गया है, और वो भी दो दो चीनी प्रतिद्वंदियों को हराकर। कौन है ये भारतीय मूल का राष्ट्रपति, चलिए जानते हैं। पीपल्स एक्शन पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय मूल के थर्मन शनमुख रत्नम सिंगापुर के नोवे राष्ट्रपति बन गए हैं। थर्मन के दादाजी 1990 के दौर में ही तमिलनाडु से सिंगापुर बस गए थे। सिंगापुर में तमिल लोगों की कुल आबादी 9% ही है, लेकिन मजे की बात यह है कि सिंगापुर में चीनी लोगों की 76% आबादी होने के बावजूद भी भारतीय मूल के थर्मन को 70.4% वोट मिले हैं। और साल 2011 से 2019 के बीच थर्मन उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और इसी के साथ थर्मन भारतीय मूल के तीसरे सिंगापुरियन राष्ट्रपति बन गए हैं। पहले ऋषि सुनक, फिर थर्मन, और आने वाले वक्त में विवेक रामास्वामी। गाइस, लगता है कि आने वाले वक्त में भारत पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हनुमान चालीसा का रट्टा हर कोई मारता है, पर शायद 90% से ज्यादा लोग ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? देखिए, हनुमान चालीसा की पहली लाइन है श्री गुरु चरण सरोज रज, जिसमें तुलसीदास जी ने इस पहली लाइन में हनुमान चालीसा लिखने से पहले अपने गुरु को नमन किया है। पर तुलसीदास जी का ये गुरु है कौन जिन्हें वो नमन कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने यहाँ पर नमन किया है माता सीता को। सीता माँ जो की दया और सुंदरता की प्रतीक है, उन्हें रामायण में सबसे महत्वपूर्ण गुरु माना गया है, क्योंकि उनके सामने भगवान राम ने कभी भी किसी भी राक्षस का वध नहीं किया है। इवन जो राक्षस मरने लायक थे उन्हें भी दया की मूर्ति माँ सीता ने क्षमा कर दिया था। हनुमान जी ने माता सीता से बहुत कुछ सीखा था, इसीलिए माँ सीता हनुमान जी की गुरु होने के साथ साथ तुलसीदास जी की भी गुरु थी जिन्हें वो नमन कर रहे हैं। इसलिए हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़िए मत, उसका अर्थ भी समझने की कोशिश करिए। जिस उम्र में लड़के और लड़कियां ब्रेकअप और पैचअप के खेल में बिजी होते हैं, उस उम्र में इस लड़के ने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। 17 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए, और अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि वो स्टार्टअप इतना नहीं चल पाया, फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल की कड़ी रिसर्च के बाद सन 2013 में उसने एक दूसरा स्टार्टअप शुरू किया, और देखते ही देखते वो कंपनी इंडिया में $10 बिलियन की कंपनी बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो कि इंडिया में यंगेस्ट बिलियनर भी हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। खेल हमेशा खिलाड़ियों से बड़ा होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका नाम खेल से भी ऊपर लिया जाता है। आज मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं, वो अपने 20 साल के करियर में यूएस में सिर्फ एक बास्केटबॉल टीम के लिए खेला, और उस बास्केटबॉल टीम को उसने 5 बार NBA का चैंपियनशिप खिताब जितवाया, 18 बार ऑल स्टार के लिए चुना गया, और 2008 में NBA ने उसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया। इसके अलावा 2008 और 2012 में ओलंपिक में लगातार उसने गोल्ड मेडल जीते, और इसके अलावा 2018 में अपनी एक मूवी डियर बास्केटबॉल के लिए उसे ऑस्कर का अवार्ड भी दिया गया। अपनी छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने वाले उस बंदे का नाम है कोबे ब्रायंट, जिसे प्यार से लोग मांबा किंग भी कहते हैं।